हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा बी एन एम इंग्लिश लिटरेचर। सो गाइस, इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। दिस सब्जेक्ट इज़ फॉर बी पार्ट वन सेमेस्टर वन स्टूडेंट्स। और इस सब्जेक्ट में हम लोग फर्स्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। आज थर्ड क्लास है। फर्स्ट और सेकेंड क्लास में हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है इंट्रोडक्शन इंडियन राइटिंग इंग्लिश में, इंडियन राइटिंग से। आज हमें कंटिन्यू करना है। टू पैराग्राफ्स हमने डिस्कस करा हुआ है, ये थर्ड पैराग्राफ है, वहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। एंड दिस सिलेबस इज फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी। यूपी स्टेट में जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के लिए कॉमन सिलेबस है। तो अगर आप पीवीएस पीयू, एमजी केवीपी, बीयू या इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ वगैरह से आप स्टडी कर रहे हैं तो वीडियो आप ही के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट सेमेस्टर वन के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। सो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। एंड लास्ट टू वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस वीडियो को वॉच करने के बाद जाके आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। सो यहाँ पे मैंने कुछ स्मॉल और मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं, उन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जैसा कि हमने लास्ट टू वीडियोस में किया था। सो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप टेक्स्ट बुक से भी रीड करिए और यहाँ पे समझ लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। सो थर्ड पैराग्राफ से मैं कंटिन्यू करना था। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल मेकअप लाइक अदर लैंग्वेज वर बिफोर, इट्स नॉट इमोशनल। आपके फर्स्ट टू पेजेस में दिए गए हैं, थ्योरी टाइप का दिया गया है। इनसे इंट्रोड्यूस होने के बाद हम बाकी आगे इंडियन राइटर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज से हम जो इंडियंस हैं हम इंटेलेक्चुअली कनेक्टेड हैं, ना कि इमोशनली कनेक्टेड हैं। ये अदर लैंग्वेज की तरह से हमारे लिए, जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, उर्दू वगैरह जैसे लैंग्वेज है, उसी तरह से इंग्लिश भी हमारे लिए इंटेलेक्चुअली कनेक्टेड लैंग्वेज है। मदर टंग हमारी हिंदी है, उससे हम इमोशनली कनेक्टेड हैं। कहीं का भी हो, जैसे रीजनल लैंग्वेज भी होती है, हम उससे क्या होते हैं, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारे लिए एक इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज की तरह से है। एंड वी आर बायलिंगुअल ऑटोमेटिकली। बायलिंगुअल मीन्स होता है डबल लैंग्वेज, द्विभाषी, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो, जिसको डबल लैंग्वेज का नॉलेज हो। तो नॉर्मली हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में हमें नॉलेज होता है। एंड वी आर बायलिंगुअल ऑटोमेटिकली। We can't write like the English. We can only write as Indians. Someday our method of expression will prove as distinctive like American, English and other countries. हम Indians English की तरह से write नहीं कर सकते हैं और ना ही हमको write करना चाहिए। हम Indians हैं, हम Indian की तरह से ही write कर सकते हैं। सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, जैसे ब्रिटिशर्स की होते हैं तो हम उनकी तरह से राइट नहीं कर सकते। दैट मीन्स द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज इम्पॉर्टेंट मूवमेंट। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट से आप सभी अवेयर हैं, हम सभी अवेयर हैं। 1947 का जो ड्यूरेशन था तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द सेंस ऑफ नेशनल कॉन्सियसनेस एमंग लिटरेरी फ्रेटर्निटी। So the clear description of freedom struggle showcased images of awakened Indians who regained their freedom from torturous rule of the Britishers. So जो इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल टाइम रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट था और उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा नेशनल कॉन्सियसनेस लिटरेरी फ्रेटर्निटी में। फ्रेटर्निटी मीन्स होती है, दैट मीन्स भाईचारा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस राइटर्स वर एबल टू कन्वे देयर पॉइंट ऑफ व्यू that finally helped to motivate to people. और इन सब के अलावा writers अब they were able थे to convey their point of view. और इन सारी चीज़ों ने people को motivate किया और उनको guide किया. So religious aestheticism was replaced by socio-political issues. और इस वजह से जो religious aestheticism था वो replaced हुआ किसके through? socio-political issues. इस समय ब्रिटिशर्स थे तो इस वजह से सोशल पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे। एज यू नो इंडिपेंडेंस का टाइमिंग चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल का टाइमिंग चल रहा था, तो ये इशू रिप्लेस हो गया, रिलीजियस इशू रिप्लेस हो गया किसके थ्रू? सोशियो पॉलिटिकल इशूज के थ्रू। एंड नेक्स्ट, द जॉय ऑफ ऑब्टेनिंग इंडिपेंडेंस वॉज सडन मेयर्ड बाई ट्रामेटिक पार्टीशन ऑफ 1947। और ये जो इंडिपेंडेंस ऑब्टेन करने का जो हमारा जॉय था, खुशी था, हमें एक खुशी थी कि हम इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, बट दैट वॉज सडन मेयर्ड। मेयर्ड मीन्स होता है अव्यवस्था हो जाना, मीन्स उसमें एक खराबी आ जाना, अव्यवस्थित हो जाना चीज़ों का, जब 1947 में पार्टीशन हुआ।
आप अवेयर होंगे 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री जो इंडिया कंट्री थी वो टू पार्ट में डिवाइड हो गई, टू कंट्रीज में। तो बहुत सारा इशूज़ हुआ उस समय जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, रीड किया होगा आपने हिस्ट्री में, द हॉरर, द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस, मैसेकरेज वर पोर्ट्रेड बाय द राइटर्स इन देयर वर्क्स एंड रीडर्स वर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस इशूज़। बहुत सारा हॉरर, ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस, मस्करेज, दंगा फसाद वगैरह, बहुत सारा इशूज़ था, आप रीड करिएगा। तो इन सारे इशूज़ को राइटर्स ने, इंडियन राइटर्स ने उनको कवर किया अपने वर्क्स में, और उस समय के जो पीपल थी, जो रीडर्स थे, काफ़ी इंटरेस्टेड थे इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट बाकी के जो पैसेजेस बचे हैं, जो पैराग्राफ्स बचे हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम राइटर्स को कवर करेंगे, उनके वर्क्स के बारे में जानेंगे, उनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। तो मेक श्योर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो आपकी स्टडी में, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में मुझे शेयर करके बताइए आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो, एंड शेयर दिस वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।